इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं ललितपुर की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। मामला ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौबियाने मोहल्ले का है, जहां अपने प्लॉट पर ही काम लगाना एक परिवार को महंगा पड़ गया, जहां दबंगों ने परिजनों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। हम भीमनगर नदी मोहल्ले से आए हैं। हमारा नाम है मोहम्मद जुबेर। मैंने एक चौबियाने में प्लाट लिया था, जिनका नाम है प्रेमनाथ। उनकी मम्मी और उनकी बहन ने रजिस्ट्री की थी, पूरे परिवार ने मिल गए। और उस पे मैंने 2 महीने पहले रजिस्ट्री करवाई थी। अब मैंने काम लगाना शुरू किया तो ये जाविर अली नाम का है जो गुंडा, वो मेरे पास धमकाने आ गया, काम बंद करो। मैंने कहा काम बंद नहीं करेंगे हम, मैंने ज़मीन खरीदी है। और आज जिसमें उसकी मैंने नकल निकलवाई थी, तो उसमें उसका नाम और निशान भी नहीं था नकल में, ना उसका कोई नाम था। अगर नाम होता तो मैं लेता भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मुझे काम बंद करवाने के लिए आने लगा, मैंने काम बंद नहीं किया। आज आकर 9:30 बजे सीधा पूरी लेबर जितनी भी लगी थी सबको लाते घूसों से मारा, और सीधा फड़वा उठा के मेरे हाथ में मारा, जिस जो कि मेरा हाथ सूज चुका है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द है। वो गुंडा अपने आप को बहुत तूस मार का समझ रहा है। वो नहीं है, पहले भी क्या इसके मामले दर्ज हैं? इसके मामले कई केस हैं, एक नहीं कई, मर्डर का है, मर्डर तक का केस लगा है इस पर, जेल तक काट चुका है जी। आसपास जितने भी खड़े हैं सब इन्हीं के परिवार का था जो जिसका मर्डर हुआ था, जिनकी जमीन ली है, जिसकी हमने जमीन ली है, सारे आसपास के ही खड़े हुए हैं। इसमें हमारी क्या गलती है जिसने हमें आके मारा है, और मेरे सारे पिलर उखाड़ कर फेंक दिए गए हैंगे। एक पिलर बचा, उसने सारे जितने भी कल पिलर खड़े हुए थे सारे पिलर उखाड़ कर फेंक दिए गए, और साथ में उसका लड़का और लड़के के साथ उसका पूरा परिवार, खानदान, पूरे जाने कितने 50 लोग इकट्ठे हो गए। हम लोग यहाँ कोतवाली में हैं, वो लोग मेरे प्लाट पर कब्जा खड़े करे हैं अभी काम, और सामान सारा फेंका फेंक कर रहे हैं वहाँ पे प्लाट पे जाके। काम लगा, आपने शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत अभी करने आए हैं कोतवाली में। अगर कोतवाली में सुनवाई नहीं होगी तो SP ऑफिस जाएंगे, SP ऑफिस नहीं होगी तो मंगल दिवस जाएंगे, मंत्री जी तक जाएंगे, लेकिन इस पीछे नहीं हटेंगे इस बार। सर हम चौबियाने से आए हैं और हम लोग की ज़मीन है, और वो मेरे लड़की की शादी करना था, सो मैंने प्लाट बेचा है एक व्यक्ति को, सो वो जाविर नाम का है, वहीं चौबियाने में रहता है। सो जाविर नाम का है, वो बिल्कुल बनाने नहीं दे रहा है बिल्कुल। किस प्रकार का ये व्यक्ति है और क्यों रोक रहा है? साहब वो बहुत पहले से, मतलब हमारे मेरे देवर का भी मर्डर किया कर चुका है वो पहले। आज हमारे पति खत्म हो गए तो आज वो हम लोग को दबा रहा है। अब वो बोलता कि क्या चाहता है, वो जो चाहता है कि वो पूरी ज़मीन हमारी है, हमारे एक छोटे बेवन ने बहन थी, तो वो चाहता है कि हम इनकी, हमारे पति खत्म हो गए तो आज वो हमारी ज़मीन कब्जा करना चाहता है। वो हमारी ज़मीन में भी काम लगाया है, वो गेट लगा रहा है, वो बंद कर रहा, कह रहा हमारी ज़मीन है पूरी। 8-10 जने थे साहब, बेबे कह रहे थे कट्टा उठा कर ले, आप कट्टा उठा कर ले, और हम लोग भाग के हम लोग यहाँ कोतवाली में आए हैं। काम लगा वहाँ पे, वो हमारे जमीन पे कब्जा कर रहा है, जो जाविर है तो आए हैं तो जगह पे कब्जा कर रहे हैं, गेट लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं बनेगा मकान, ये नहीं बनेगा, हमारी ज़मीन है, और बोल रहे हैं कि यहीं नहीं बनेगा मकान, और बेच रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बेचनी है। वो एक माफिया है, गुंडा है एक नंबर का, और उनके लड़का आया था, बोल रहा था कट्टा लेके हम तुम लोग को मार देंगे, जी मार देंगे, और हमें भी मारा भी है, और कई बार वो जगह पे आता है, बोल देता है कि नहीं जगह नहीं बेचने देंगे। मर्डर भी किया है उसने, हाँ की है, मारपीट की है, मुझे भी मारा है उसने, धक्का भी दिया है, और भैया लोग को भी मारा है। इनके मामले में आए हम, जो मार भी लग गए, हमारी बड़ी जेठानी ने बेची लड़की की शादी करने हैं, आओ मार भी लग गए सीधो, जो जिनने खरीदी उनके लाने मार भी लग गए। हम बोरे घूम धरी जगह है, उन्हें बीच में अगर ये भाई को खरीद लो तो वो जा करो कि हम की पूरी जगह हमें लेने हैं, और इसमें तुम्हारे को कोई नहीं जाओ नंबर में तो बना में नहीं जय, तो कह रहे माने वो जा कह रहे हो कि हम नंबर में उन्हें नहीं दे दी, फिर भी वो कह रहे हो कि हम नहीं मिलेंगे, हमें नहीं करन दे रहे काम, आन के गारी देने लगो गंदी, वो कहने लगो सब एक तरफ से मारे, वो हमारी जगह है, तुम्हारे देवर को भी मार चुके, हमारे छोटे देवर को भी मटर कर चुके हैं, तुम्हारी मार दे। क्या इसके पहले कोई हत्या का मुकदमा भी दर्ज है? हाँ दर्ज है, मुकदमा चले बंद रहो 3 साल। वो क्या चाहता है? वो जो चाहता है कि जो पूरी जमीन छोड़ देवे, वो हम अकेले कब्जा करवे, हम अकेले राजा बन के रहे। हाँ आज शिकायत करी है मोरन, वो था भी होगा, वो आन के जिनने प्लाट खरीदी भी काम लगे।
मामला ललितपुर जिले की थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां 7 वर्ष बीतने के बाद एक विवाहिता महिला को अंतर जातीय प्रेम विवाह करना और अपना अच्छा खासा घर परिवार छोड़ना किस कदर महंगा साबित हुआ है। इसको लेकर विवाहिता महिला ने अपने पति पर धर्म परिवर्तन के साथ साथ प्रताड़ना के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और वो भी 7 वर्ष बीतने के बाद। फिलहाल थाना शहर कोतवाली पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर धारा 504, 506, 324 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है, आप खुद ही सुन लीजिए इस विवाहिता महिला की जुबानी के साथ साथ इनकी पूरी कहानी। मेरा नाम शोभा गुंडेला है और मुझसे धोखाधड़ी में शादी की गई है और मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है और मेरा नाम बदलवाया गया और मुझे अब परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। पहले 2 साल तो मुझे बताया ही नहीं कि मैं मुसलमान हूँ। उसका मनोसोनी नाम पता था मुझे, वो हाथ में कलामा बांधता था, यही सब जानकारी थी कि हाँ हिंदू है। तो उसने मुझे ले गया, यहाँ से भाग गया भोपाल। उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैं मुसलमान हूँ। अब वो मुझे परेशान करने लगा कि गाय का गोश्त खाओ, ये सब करो, दुनिया के तमाशे किए और मारपीट की, और हम वो बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरी हेल्प की जाए। वो कहता है नमाज़ पढ़ो, ये करो, ये सब हम नहीं कर सकते सर। पहले आपको जानकारी नहीं थी? नहीं थी। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानुसाई ने बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर ओरछा को राजधानी बनाओ के नारे के साथ प्रधानमंत्री जी को वादा याद दिलवाने के लिए निकाली। उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा 3 साल के अंदर बुंदेलखंड निर्माण की बात कही थी और वादा किया था, लेकिन अब तक 6 साल 8 माह बीतने के बाद भी बुंदेलखंड को राज्य बनाने की पहल अभी तक नहीं की गई है, जिसके विरोध में झांसी से मध्य प्रदेश के दतिया तक एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और वहां पहुंचकर जिलाधिकारी दतिया के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रधानमंत्री को उनके द्वारा किए गए वादे को निभाने की बात कही गई और उन्हें बुंदेलखंड राज्य के वादा याद कराया गया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। सवारी सवारी बुलत जाओ, क्षेत्र अंतर्गत ललितपुर के बानपुर रोड स्थित रजवाड़ा गांव के चुंगी के पास का है, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में 1 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया। तो वही इस घटना में पति पत्नी घायल हो गए, जिसमें पत्नी की हालत गंभीर होने पर उसे चिकित्सकों ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बाकी घायलों का इलाज ललितपुर की जिला चिकित्सालय में चल रहा है। ललितपुर जिला विकासखंड जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहमारा में जिलाधिकारी अद्रावी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में शीतकालीन जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने ग्राम के विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मेहमारा के ग्रामवासियों की जन समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा इसके उपरांत ग्राम के विकास कार्यों एवं योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की, जिसमें ग्राम की सड़क योजना, विद्युतीकरण योजना, पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन योजना अंतर्गत वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन, स्वयं सहायता समूह, बाल विकास एवं पोषण योजना, खाद्यान्न वितरण योजना, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्राम में कन्या समूहला आदि योजनाओं के बारे में बिंदुवार जानकारी और सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। इसमें कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित न हो। चौपाल के सभी विभागों से संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन को विधिवत परखा और ग्रामवासियों से रूबरू हुए और जन समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना। चौपाल के अंत में जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, कंबल और मिनी बीज किटों का वितरण किया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय मेनवारा में फीता काटकर 2 स्मार्ट क्लास की पाठशाला का शुभारंभ किया गया। जन चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी लवकुश त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी के गर्ग, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार उप जिलाधिकारी के सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी अवधेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश, जिला कार्यक्रम अधिकारी पुष्पा वर्मा, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चंद्र राय सहित कई अधिकारी एवं मौजूद रहे। 6,000 ही मिले हैं तो अब आप क्या बनाई हो? कुछ भी नहीं बनाई हो सर, गड्ढा बटो भाई। ये बात ठीक नहीं है। आप मालिक इसी संकट में रही होंगी, लेकिन अब आप बनवा लीजिए तब हम आपको अगला भी पैसा दे के आपका पूर्ण कराएं। नहीं तो मैं सभी को बता रहा हूं कि ये सरकारी धन है, पैसे के दुरुपयोग में आपकी रिकवरी भी करा लूंगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।